और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बंगाल में आतंक राज स्थापित कर रखा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी आज ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। दिनाजपुर में बीजेपी नेता की हत्या और पिछले हफ्ते एक लड़की की रेप और मर्डर के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुला रखा है। सड़क पर सुबह से ही बंद का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए और गाड़ियों को भी रोक दिया। कुछ जगहों पर बीजेपी ने बंद के समर्थन में जुलूस भी निकाला। बंद के दौरान कई इलाकों में दुकानें बंद रही। उत्तर बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और मालदा के जिले में बंद का असर देखने को मिल रहा है। कूचबिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झड़प भी हुई। पत्थरबाजी में बसों के शीशे तोड़ दिए गए। ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस में बैठा नजर आया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला बोला। बंद के चलते आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल के कई इलाकों में आतंक का राज कायम कर रखा है।